हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डीटीएच की पुराने छतरी को कैसे दोबारा इंस्टॉल करते हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सेटअप बॉक्स के इस पार्ट को लगाते हैं और लगाने से पहले ये ध्यान ज़रूर देना है कि इसका डायरेक्शन क्या है। तो फ्रेंड्स, हमें जो इसका डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट में रखना है, यानी कि साउथ और ईस्ट के मिडिल में। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं इसे। अब आप इसे ड्रिल की मदद से लगा लें, अगर नहीं है तो उसकी जगह पे आप 1 इंच की स्टील कील भी यूज कर सकते हैं। और इस पाइप को लगाते समय इसका डायरेक्शन बिल्कुल इसी तरह रखें। अब हम इसको छतरी को इस प्रकार लगा लेंगे और इसका डायरेक्शन भी साउथ ईस्ट की दिशा में रखेंगे और इसके बोल्ट को हल्का हल्का कस लेंगे ताकि हम इसे घुमा सकें और सेट करने में प्रॉब्लम ना हो। सेट करने से पहले हम इसके कनेक्शन को समझ लेते हैं। येलो वाला वीडियो के लिए होता है और रेड और वाइट वाला ऑडियो के लिए होता है। चलिए इसमें हम वायर को लगा लेते हैं। अब वीडियो वाले वायर को इसमें लगाएंगे और ऑडियो वाले दोनों वायर को इन दोनों में लगा देंगे। अगर ना समझ आए तो उसके नीचे लिखा होता है, आप वहाँ से देखकर लगा सकते हैं। हमने वीडियो वाले वायर को लगा लिया है और ऑडियो वाले वायर को इस बूफर के इनपुट में लगा देंगे। लगाने के बाद सेटअप बॉक्स को ऑन कर लेंगे और इसको डीडी नेशनल चैनल पर सेट कर लेंगे। उसके बाद सेटअप बॉक्स को निकाल लेंगे और इसको ले चलेंगे हम छत के ऊपर। इसके बाद सेटअप बॉक्स के पीछे वायर को लगाकर हम इसमें पावर सप्लाई देंगे। पावर ऑन होने के बाद रिमोट से हम सिग्नल बटन को प्रेस कर देंगे। इसके बाद हम सिग्नल को इस डिस्प्ले में नोटिस करेंगे और इसी की मदद से हम छतरी को एडजस्ट करेंगे। इसके बाद हम छतरी को हल्का हल्का अप करेंगे या डाउन करेंगे और डिस्प्ले में देखते रहेंगे कि किस पर सिग्नल ज़्यादा मिल रहा है। अगर सिग्नल ना मिले तो फिर हल्का सा लेफ्ट करेंगे और अप डाउन करके चेक करेंगे या हल्का सा राइट करके अप डाउन करके चेक कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे सिग्नल मिल गया है, मैक्सिमम 69 है और पावर सप्लाई को कट करके छतरी को बिना हिलाए इसी पर हम सेट कर लेंगे।